दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस छोटे से अपडेट वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी टेट और जूनियर सुपर टेट की परीक्षा कब तक होगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव भेजा गया है और लगभग 99% ये डेट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी ये आर्टिकल छापा गया है एक वेबसाइट पे और ये सारी खबर जो है आपको कल के न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर को और टीईटी यूपी टेट 2020-21 की परीक्षा 19 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। बाकी आप सबको पता ही है कि कितने पद हैं, कितने पदों पर भर्ती होनी है जूनियर में, और यूपी टेट की परीक्षा दो लेवल पर होती है ये भी आपको पता है। और जूनियर सुपर टेट की जो परीक्षा है वो पहले होनी थी 18 अप्रैल को, ठीक है, पहले 11 फिर 18 अप्रैल, फिर ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। अब ये प्रस्ताव अक्टूबर में, तारीख भी आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी की शादी या कुछ ऐसा कुछ लगा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर जूनियर सुपर टेट, 19 दिसंबर को यूपी टेट की परीक्षा। अब आप पूछेंगे कि अगर 19 तारीख को ये यूपी टेट होगा तो इसका मतलब ये है कि 19 जनवरी तक इसका रिजल्ट आएगा, और अगर सरकार चुनावी माहौल में आपको भर्ती देना चाहेगी तो यहाँ पर जनवरी में अगर आचार संहिता नहीं लगती है तब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने की संभावना बन सकती है, बट परीक्षा नहीं हो पाएगी। नोटिफिकेशन जारी करके वो ये सरकार आपको लालच दे सकती है कि हमने वैकेंसीज निकाल दी हैं और अगली पंचवर्षीय में सरकार बनते ही हम इन पदों को भरेंगे, ये सरकार का चुनावी दांव पेच हो सकता है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें। यूपी टेट का नया बैच हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, जैसे ही डेट कंफर्म हो जाएगी हम नया बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें टॉपिक वाइज आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।